द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। पर्यावरण को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई भी उपाय जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी जनपद में तमाम तालाब भू माफियाओं के कब्जे में है। कुछ ऐसा ही मामला महाराजगंज तहसील के जुनिहा गाँव में देखने को मिला। ग्रामवासियों ने बताया कि बुजुर्गों के जमाने से बना तालाब में पूरे गाँव का बारिश का पानी जाकर इकट्ठा होता था और तालाब के भर जाने पर एक नाली के माध्यम से इस तालाब का पानी दूसरे तालाब में चला जाता था। एक दूसरे तालाब से पानी निकलने के लिए पुलिया भी बनी थी जो भूमि माफियाओं ने उखाड़ दी है और अब कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा नाले को लेकर अपना मकान बनवाया जा रहा है। यही नहीं, कुछ लोगों ने भी बच्चियों द्वारा घर बनाए जाने का जब विरोध किया तो दबंग मारपीट पर उतारू हो गए। गांव निवासी दिनेश कुमार, रमेश कुमार, महेश कुमार ने इस मामले की शिकायत तहसील स्तर पर की, तहसीलदार से और जिला स्तर पर जिले के आला अधिकारियों से की है, परंतु आज भी उस तालाब पर निर्माण कार्य जारी है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि तालाब भले ही सरकारी अभिलेखों में दर्ज ना हो, परंतु लोगों की याददाश्त में यह तालाब दशकों पुराना है जो पूरे गाँव में पानी की समस्या को दूर करता चला आ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस तालाब पर हो रहे कब्जे को अविलंब हटाए जाने की मांग की है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। 9 इंची दीवार के साथ बनवा दी जाए, मेरे गांव की समस्या दूर हो जाएगी, मेरे पूरे गांव। कितने गांव वाले परेशान हो गए इससे? इसमें कम से कम 30-40। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं की है? इसकी शिकायत हम जो है 5 जगह का नोटरी किया है हमने, और DM को दिया, SDM को दिया, और तहसीलदार को दिया, CO को दिया, सबको दे दिया, लेकिन कहीं हमारी सुनी नहीं। कितने साल पुराना तालाब है ये? कम से कम 400 साल। और हम बता भी नहीं सकते, हमारे पिताजी बता सकते कब का। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।